सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं इसकी है ना इंट्रो बाद में रिकॉर्ड कर रही हूँ, क्योंकि उस समय है ना मैंने इंट्रो रिकॉर्ड की थी, पर मैंने जैसे एक मैंने इंट्रो रिकॉर्ड नहीं की थी, मैंने ना पूरा व्लॉग लाइन्स बनाया था। मैंने जब सोचा था कि मैं पूरा व्लॉग या तो लाइन से डालूंगी, पर लाइन से मतलब पूरा इकट्ठा डालूंगी पूरी हमारी ट्रिप का। जैसे ट्रिप हमारी सिर्फ मुश्किल से 24 घंटे की होगी, व्लॉग मेरे से 3 निकल चुके हैं उसमें से, क्योंकि आधे आधे दिन तो हमने ट्रेवल में हमने पूरा ट्रिप निकाला। जैसे हमारी ट्रिप देखा जाए तो 14 को हम निकले थे, 19 या 20 या छः 20 को हम घर लौटे थे। ऐसे तो बहुत टाइम हुआ, पर हमने दो दो दिन तो ट्रेन में निकाले हैं, डेढ़ डेढ़ दो दिन। तो मैं मेनली हमारा ट्रेन का था, एंड इस बार ने एंड में ट्रेन का रिकॉर्ड नहीं किया, क्योंकि ट्रेन का फर्स्ट वाले ब्लॉग में ही बहुत कुछ हो चुका था। एंड तो बस आप मेरा ब्लॉग आगे देखना आज, और छोटा मोटा ब्लॉग है। एंड दूसरी बात, मेरे फ़ोन में है ना स्पेस नहीं थी, ना मेरे फ़ोन में बैटरी थी। तो मैंने क्या किया है, दूसरे दूसरे लोगों के फ़ोन लेके, मतलब मम्मी का फ़ोन ले लिया, मेरा दूसरा फ़ोन ले लिया, बड़े मियाँ फ़ोन ले लिया, तो उन सब के फ़ोन से लेके मैं थोड़ी थोड़ी क्लिप रिकॉर्ड करी है एंड वो सब अपलोड करी है। तो लाइक मोस्टली मैंने ना ब्लॉग पे कुछ बोला नहीं है, बट सारी क्लिप्स 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 है। तो आप क्लिप्स क्लिप्स देख के काम चला लेना, अगली बार बहुत अच्छा ब्लॉग बनाऊंगी। अगली बार मैं फ़ोन अच्छे से खाली करके जाऊंगी स्पेस। तो अभी आप देखो कैसा लगता है, फिर बताना कमेंट सेक्शन में। ओके गाइस, लेट्स स्टार्ट। ये गाइस सब निकल रहे हैं और सब ये खा रहे हैं, हम लेके आते हैं मठरियाँ। चलो चलो चलो, मठरी कहाँ गई? 2 hours later. पेट्रोल ब्रेक हुआ है अभी, एंड ये देखो प्यारा लग रहा है मौसम। ये मौसम तो प्यारा नहीं है, व्यू बहुत प्यारा लग रहा है। इधर भी देखो बहुत मस्त। Two thousand years later. Wow, हमने ब्रेक लिया है, वॉशरूम ब्रेक एंड रेस्टोरेंट ब्रेक, कुछ खाने पीने के लिए। बस रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा, ढूंढ फिर ढूंढ ढूंढ के हम पागल हो गए हैं। पागल तो नहीं हुए, जैसा भी उतरे हम है ना फ़ोन में ही ढूंढ रहे थे कि अच्छा रेस्टोरेंट मिल जाए, पर आस पास कोई अच्छा रेस्टोरेंट है ही नहीं। एक्चुअली वेज रेस्टोरेंट नहीं है अच्छा, नॉन वेज है तो बहुत मिल जाएगा ना, हम लोग हैं वेजिटेरियन, तो बस ढूंढ रहे हैं थोड़ा बहुत। मौसम भी अच्छा हो चुका है, फाइनली मिलते हैं आपको, फिर आगे दिखाते हैं अगर मिल गया तो। हम खा रहे हैं यहाँ पे पेटीज एंड ऑल दैट, मैंने अभी रैप ऑर्डर किया है। गाइस बारिश चालू हो गई, हल्की हल्की सी हुई है। ओह वाओ मस्त, ये अच्छा था। 15 minutes later. हम चेन्नई की गलियां रोड वगैरह सब एक्सप्लोर कर रहे हैं। चलो तो कुछ खा रहे सकते हैं, खाने पीने आए हैं ये सब लोग। इसने मंगाया है मैं स्टेक, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, बिल्कुल चिपड़ वाली गर्मी लग रही है, चिपक 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 वाली गर्मी होती है वो उमस वाली गर्मी वो हो रही है। मैंने बाल ही बांध दिए पूरे। अभी ये ले ले ऑर्डर ले ले। वापस बोलिए तो बोल रहा था अन्ना अन्ना आइए। हवा का मजा ले रहे हैं। नाइस जी, चलो चले अंदर भी कूलर लगे, एसी नहीं लगी है। भक्ति अन्ना बोली अन्ना, ये मेरे खाने में डालो। हां यही खाने से बहुत अच्छी आ रही है बोली। गाइस मेट्रो स्टेशन देख लो, नेक्स्ट ट्रेन टू एयरपोर्ट। मेट्रो स्टेशन पर हम जा नहीं रहे, हम जा रहे हैं बाहर। गाइस फाइनली हम आ गए बीच पे, ये एंड मेरा फर्स्ट टाइम है बीच पे। उतर है यहाँ, बहुत ज़्यादा स्मेल आ रही है मच्छी की, पूरी फिश फिश की फिश बन रहे हो, फिश स्मेल। सब आगे चलते हैं, आगे तक खाते हैं। नाइस जी, गंदी मिट्टी में खेल रही है। गाइस फाइनली वी आर हियर एट द बीच। बहुत तो ये कौवे बहुत हैं यहाँ पे, बहुत गंदा ही पड़ा है, अभी कोई बात नहीं भाई। ये बनाने तो दो। हाँ मेरे बाल
एंड ये देखो यहाँ पे बीच में गाय माता आ गई थी एंड सब पीछे भग गए थे। गैरी ऑफ द बीच यहाँ पे पकोड़े खाने बैठे हैं सब लोग। क्वालिटी गंदी हो गई। बोल दियो अन्ना दांत में देंगे। पकोड़े मिर्ची के पकोड़े मेरे साथ तो हादसा भी हो गया, पैर कट गया। आइयो सीधे कट गया पूरा, बीच ने मार दिया, बीच की लहरों ने मार दिया। कोई बात नहीं, लेकिन लहरों का मजा लिया तो थोड़ा बहुत कुछ चलता है। तो गाइस अब हम बीच से निकल चुके थे और हमने रास्ते में बहुत अनोखी चीज देखी। लाइक बहुत अलग ट्रेडिशन है यहाँ का कि जब कोई जा रहा होता है ना तो उनकी अर्थी उठाते हैं जब, तो उनपे पटाखे जला रहे थे या ना पूरा लाइक शोर शराबे के साथ उनका विदा कर रहे थे, पूरे गाने चला के। लाइक बहुत यूनिक चीज थी। गाइस हम लोग आए हैं चेन्नई के मॉल घूमने। हालत से मत जाना, बहुत ज्यादा अजीब हो रखी है। एंड उसकी फादर हमेशा चेंज करना, बैग लेके आई तो मैं अंदर वॉशरूम वगैरह आऊँगी चेंज कर लूँगी। तो पूरी सैंड 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 लगी, मैं तो बहुत खेली हूँ पानी, और ज़्यादा मैं ही खेली हूँ एक्चुअली, देखा है तो एक्चुअली। चलो मॉल अच्छा लग रहा है, वो अच्छा लग रहा है मॉल। पार्कोस 2000 years later. Guys, mall घूम के हम निकल रहे हैं। हमने की शॉपिंग करी है, मैंने अपनी की एक्सल से मंथली की है, और निकलते से इतनी गंदी गर्मी लग रही है। अंदर तो सही लग रहा था, अब इतनी गंदी गर्मी। हम जा रहे हैं, अब कुछ या कुछ खाएंगे या फिर स्टेशन जाएंगे, देखते क्या करते हैं। एंड मेरे फोन में बैटरी नहीं है तो मैं बाद में बहुत कम व्लॉग बनाऊंगी, तो बाद मिलते। चलो घर में कुछ खाने पीने बैठे एंड मोमोज खाए। देखो हमने पहले एक मोमो खत्म कर लिया, दूसरे मोमोज खा रहे हैं। गाइस क्या मस्त लग रही है रेल। तो अब हम लोग निकल रहे हैं स्टेशन की ओर। ये लोग सब है ना खाना पैक कराने गए हैं एंड हम लोग तो बैठेंगे। तो खाना पैक करा रहे हैं, गए हैं, बात एक ही है एंड ये तो मस्त लग रही है लाइट वगैरह। हाँ मैं गई थी, वापस आ गई थी खा पी के, तो यही आएगी फिर वे बाद में बोलेगी भक्ति कि तूने मेरे ऐसी क्लिप ली है, कट कर दे कट कर दे। गाइज यहाँ का जो चेन्नई का स्टेशन था उतना प्यारा बना हुआ था, लेकिन इतना प्यारा स्टेशन बना हुआ था, मेरे उसमें बोला नहीं तो मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ। बस स्टेशन काफी अच्छा था, अंदर में कुछ खास नहीं था, लेकिन बाहर का बहुत प्यारा लगा था, बहुत मस्त भी था। A few moments later. ये हमारी ट्रेन चल पड़ी। चार्जर दो। पिज्जा ले लो, पिज्जा। फाइनली हमारा पिज्जा आ गया मन्नतों के बाद। कोई ना दुकान नहीं लग रहा। सो गाइस बस यही तक था मेरा ब्लॉग, एंड इस बार बहुत छोटा ब्लॉग बना है मुझे पता है, क्योंकि जैसे मैंने बताया कि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं थी, मेरे फ़ोन में बैटरी नहीं थी, क्योंकि है ना हमारा चेन्नई से नहीं सॉरी तिरुपति से चेन्नई तक हमारा इतने घंटे थे। हम लोग सुबह निकले थे, हम लोग बिल्कुल ऑलमोस्ट 3-4 बजे करीब चेन्नई पहुंचे थे, तो बहुत ज़्यादा घंटे थे। एंड मैंने पूरे रास्ते फ़ोन चलाया था बस में सॉरी ट्रैवलर में सुन गए थे, जिस वजह से मेरी फ़ोन में ना बैटरी थी ना स्पेस थी नहीं, मैं बहुत टाइम से ब्लॉग बना रही थी और ना मैंने एडिट किया था। तो बस फिर मेरा छोटा सा ब्लॉग बना है, तो बस यही तक था ब्लॉग। एंड मुझे कल अपलोड करना है, इसलिए मैं रात को बैठ के ब्लॉग एडिट कर रही हूँ। लाइक 12 से ऊपर हो चुका है। कितने बजे भक्ति टाइम बताइयो, ठीक है देख सकती हूँ टाइम। 11:24 हो गए, 11:40 चलो ठीक 12 बजने टाइम है अभी। एंड मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, मैं स्टिल एडिट कर रही हूँ, 12 तक मैं अपलोड कर दूंगी एंड कल तक आपके पास 12 बजे ब्लॉग आएगा। Guys, thanks for watching. Bye bye. Tata. Khatam. Bye bye. Tata. Goodbye. Gaya.